जब आप एक जंगल सफारी पर जाते हैं तो मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। हमें कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे, क्या हमें टाइगर की साइटिंग होगी। किसी को जंगल एंजॉय करना है तो किसी को सिर्फ टाइगर देखना है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्लॉथ बियर यानी भालू की खोज में जंगल सफारी पर जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को हाथी के बड़े बड़े हर्ड देखने पसंद होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब मुझे एक ही सफारी में दिखा तो शायद आप बोलोगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मगर ऐसा हुआ है। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को subscribe करना ना भूले। ये कहानी है अप्रैल 2024 की, जब गर्मियों ने बस दस्तक दी थी और ऐसे में कॉर्बेट का फाटो जोन एक बार फिर से चर्चा में आने लगा था। यूं तो ये जोन कॉर्बेट के अंडर नहीं आता और जिम कॉर्बेट के पास ही तराई का एक फॉरेस्ट है, मगर यहाँ सफारी सब जिम कॉर्बेट से ही होती है। फाटो जोन फेमस है अपने कई सारे वाटर होल्स के लिए और जहां पानी होगा वहां टाइगर कैसे नहीं दिखेगा। टाइगर को दिन में कई बार पानी चाहिए और जब गर्मी हो तब तो पानी में पड़े रहना ही टाइगर का फेवरेट पास टाइम है। इसलिए हर गर्मियों में फाटो जोन धूम मचाता है अपनी बम्पर टाइगर साइटिंग्स की वजह से। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गर्मियों में फाटो जोन की सफारी करते हैं और आपको टाइगर साइटिंग ना हो तो उस दिन आपका लक कुछ ज्यादा ही खराब था। लास्ट व्लॉग में जो बड़ा मेल टाइगर हमने देखा था, नेक्स्ट सफारी में फिर से उसी के दर्शन हुए, मगर इस बार इसको हमने और करीब से देखा। लो भाई वीडियो बनाओ। लो भाई वीडियो बनाओ ढंग से। हाँ सोनू भाई वीडियो तो बना रहा हूँ। पूरी वीडियो बनाना लो भाई। ऐसा शॉट थोड़ी छोड़ दूंगा यार। सोनू भाई माहौल बन गया ये तो आज। इतने बड़े साइज का टाइगर मैंने पहली बार देखा था। दुधवा और पीलीभीत के टाइगर्स के बारे में तो सुना था कि वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं साइज में, मगर जिम कॉर्बेट में इतना बड़ा टाइगर देखना अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। मेल का साइज फीमेल के मुकाबले काफी बड़ा होता है, मगर इनकी साइटिंग काफी रेयर भी होती है। मेल टाइगर्स बहुत शाय किस्म के होते हैं और जिप्सी की आवाज दूर से ही सुनकर पहले ही अंदर चले जाते हैं, मगर गर्मी में उनको पानी पर आना ही पड़ता है। ये सबसे बड़ी वजह है कि फाटो में बड़े मेल टाइगर्स की साइटिंग हो जाती है समर मंथ्स में। ऐसा नहीं है कि फाटो जोन में आपको टाइगर्स बस पानी पर ही मिलेंगे। वाटर होल से आगे जाने के बाद हमें ये मेल आराम करता हुआ झाड़ियों में भी मिल गया। टाइगर जब अपने कैनाइंस दिखाकर वार्निंग देता है तो भले ही कितना भी डरावना दिखे, मगर उसको ऐसे रेस्ट करते देखो तो इससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं होता। हमारे सामने स्लॉट बियर है यार। वाओ सोनू भाई इसके साथ तो बच्चा भी है यार, मगर बच्चा बाहर ही नहीं आया। मुझे लगा तो था कि इसके साथ है बच्चा, अंदर दिखा था थोड़ा सा। भालू देख रहे हैं भालू। अब क्योंकि गर्मियां आ गई हैं तो भालू भी हाइबरनेशन से बाहर आ गए हैं, तो फाटो जोन में ऑलमोस्ट रोज ही इनकी भी साइटिंग हो रही है। और फिर जब वो स्लॉथ बियर पानी पीकर अंदर चला गया तो हमने उसको ट्रैक करने का सोचा और एक बार फिर से हमें वो स्लॉथ बियर रोड पर ही मिल गया। मैंने इसके पहले दो बार स्लॉथ बियर की साइटिंग की है, मगर वो दोनों बार ही रणथंभौर में था। ये पहली बार था कि मैंने कॉर्बेट में स्लॉथ बियर देखा।
के जाइएगा, नहाने एक वापस जाइएगा। पता क्या, गाड़ी दूर लगाओ, ये निकलेगा। वाटर हॉल कहाँ पे है यार? वाटर हॉल यहाँ है भैया। तुम ऐसा ना दूर लगाओ गाड़ी। एक और जानवर जो गर्मियों में जिम कॉर्बेट की तरफ अपना रुख करता है वो है हाथी। हाथी को भी दिन में काफी सारा पानी चाहिए और अपने भारी भरकम शरीर को पानी में तैरा कर उसको बहुत खुशी मिलती है, तो इनकी साइटिंग भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है फाटो जोन में। थोड़ा सा और आगे ले लो। ये एक टस्कर है जो मेल एलिफेंट होता है और बाकी झुंड से अलग ही रहता है। सिर्फ टस्कर के ही इतने लंबे दांत होते हैं और फीमेल एलिफेंट्स के नहीं होते, जैसे डियर में मेल के एंटलर्स होते हैं और फीमेल के नहीं होते। एलिफेंट्स में जिस मेल के ऐसे दांत नहीं होते उसको मखना बोलते हैं। कई बार लोग उसको दूर से देखने पर फीमेल एलिफेंट के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, मगर मखना का हेड काफी ऊंचा होता है फीमेल के मुकाबले। फाटो जोन को पूरी तरह एक्सप्लोर करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके FRH में स्टे करें एटलीस्ट 2 nights, ताकि आपको मौका मिले काफी अच्छी एनिमल साइटिंग्स का। यहाँ काफी सारे न्यू रूम्स हाल फिलहाल ही बने हैं और ये किसी होटल से कम नहीं लगते। यहाँ एक ट्री हाउस भी है जिसमें रुकना किसी सपने जैसा है। रात तो आप एनिमल कॉल सुनकर ही निकाल देंगे। ये एक ट्री हाउस है, अभी एक ही है, ये बता रहे हैं कि एक और बनने वाला है इस तरफ। दो और बनने वाले हैं। दो और बनने वाले हैं, वो अलग अलग डिजाइन के हैं। एक वहाँ बनेगा जो वहाँ पर तालाब है, वहीं पे जो है 60 feet की दूरी होगी, वहीं से तालाब से ही दिखेगा वो। क्या बात है, तो यहाँ पीछे वाटर होल है, तो जो यहाँ बनेगा ना भाई वो डिमांड में रहने वाला है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहीं से लोग ऊपर से अपने दरवाजा खोलेंगे और पीछे ही साइटिंग होगी। वो तो मतलब बुक ही जाने वाला है पूरा टाइम। हाँ, मेरा काफी ऊपर है। अच्छा, ये जो है ना प्रॉपर उस पर बना रखा है, ये हमारा उस तरह से दिखा देता हूँ पूरा। ये देखो, वाह भाई, अंदर चल के देखें जरा। ये देखो पूरा पेड़ के साथ चेंजिंग रूम है। क्या बात है यार, बहुत है। हटाओ। अच्छा, यहाँ चेंजिंग रूम अलग से दिया हुआ था, वॉक इन वार्डरोब टाइप। ये बाथरूम बैठने का भी बना हुआ है, और ये रहा वॉशरूम। कैसा लगा सर आपको? बहुत सुंदर है सर। अब दो जो बन रहे हैं वो इसे अच्छे लगे। क्या बात है, हाँ, वो केवल ढांचा रहेगा लोहे का, बाकी शीशा ही लगेगा। यहाँ के FRH के आसपास ही एक मेल टाइगर घूमता है जो इतना बड़ा है कि लोग उसको अक्सर एक भैंस से कंफ्यूज कर देते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर आपको लगता है कि जिम कॉर्बेट में आपको टाइगर साइटिंग्स नहीं होती हैं, तो एक बार फोटो आइए। और अगर आप भी चाहते हैं खुद को एक बेस्ट चांस देना वाइल्ड लाइफ को क्लोजली देखने का, तो भी फोटो आइए। ये है सोनू भाई जो मेरी सब कॉर्बेट की बुकिंग्स करवाते हैं। आप इनको कॉल करके यहाँ के FRH में स्टे और सफारी बुक कर सकते हैं, और ये फेमस है शिद्दत से सफारी करवाने के लिए और बहुत ज्यादा चार्ज भी नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके प्यार दिखाइए।